हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एमएससी फाइनल की क्लास में पढ़ रहे हैं वैगनर मेडविन रीअरेंजमेंट का पार्ट थर्ड, जिसमें कि हम पढ़ेंगे उसके स्पेशल फीचर्स और एप्लीकेशंस के बारे में, है ना। तो वैगनर मेडविन रीअरेंजमेंट में जैसा कि हमने पढ़ा था कि नियो पेंटाइल कार्बोनियामाइन बनता है, जिसमें जो कि रीअरेंज होता है और फिर हमको प्रोडक्ट मिलता है। बेसिक जो था वो ये था। अब अगर हम एनी हाउ न्यू पेंटाइल कार्बोनियामाइन ऑब्टेन कर लें किसी भी कंपाउंड से, देन वी विल सी द वैगनर मेडविन रीअरेंजमेंट इन दैट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, वी कैन गेट कार्बोनियामाइन फ्रॉम न्यू पेंटाइल हैलाइड, इसे बनाए। तो क्या होगा, इसके लिए इसको बनाने के लिए जब हम नियो पेंटाइल क्लोराइड के स्ट्रॉन्गली आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स के बीच में, मीडियम हमारा स्ट्रॉन्गली आयनाइजिंग हो और लुईस एसिड हो, जैसे कि सिल्वर प्लस आयन, तो जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर प्लस आयन नियो पेंटाइल हैलाइड में से हैलोजन को एज ए हैलाइड निकाल लेता है पर इस तरीके से, और हमको क्या मिल जाता है, ये आपका नियोपेंटाइल कार्बोनियामाइन मिल जाता है जो कि रीअरेंज हो करके हमें रीअरेंज प्रोडक्ट देता है फाइनली, जैसा कि हमने वैगनर मेडविन रीअरेंजमेंट में पढ़ा था। इसी तरह हम नियोपेंटाइल अल्कोहल, इसके साथ में कोई अल्कोहल है उससे हम कार्बोनियामाइन बनाना चाहते हैं, तो उसमें जैसा कि हम एसिडिक मीडियम में जब हम उसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, और हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पर ये कार्बोनियामाइन मिल जाता है, प्राइमरी कार्बोनियामाइन जो कि रीअरेंज हो करके फिर हमको कंपाउंड देता है फर्दर। एल्कोहल्स में क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको किसी ऐसे डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसमें कि जो एक स्टेबल लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे कि अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन पैराटोल्युइन सल्फोनेट्स के साथ में रिएक्शन करा दें तो क्या होता है, ये पैराटोल्युइन सल्फोनेट जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये पैराटोल्युइन सल्फोनेट में डेरिवेटिव में बदल जाता है, यहाँ पर OSO2 और फिर टोल्युइन ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाता है। जैसे कि देखो आप यहाँ पे ये इसमें बदल गया, पैराटोल्युइन सल्फोनेट डेरिवेटिव बन गया इसका नियोपेंटाइल अल्कोहल जो था। फिर इसमें से यहाँ से ये वाला ग्रुप निकल जाता है और निकल करके हमको क्या देता है, नियोपेंटाइल कार्बोनियामाइन, जैसे कि ये है ना। तो इस तरीके से हमें कार्बोनियामाइन मिल जाता है। इसी तरह और कंपाउंड्स जिनसे कि हम नियोपेंटाइल डेरिवेटिव बना सकते हैं, जैसे कि फ्रॉम एमीन्स से हम बनाना चाहते हैं, तो हम जब जानते हैं एमीन्स की रिएक्शन किससे, HNO2 के साथ कराते हैं, यानी कि नाइट्रस एसिड के साथ जब हम प्राइमरी एमीन्स की रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनता है, पहले ये डाईएजो डेरिवेटिव में बदल जाता है। कैसे, देखो ये यहाँ पर डाईएजो डेरिवेटिव मिल गया, ये डाईएजो डेरिवेटिव गर्म करने पर यहाँ से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को निकाल देता है, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकलता है यहाँ से, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है और इलेक्ट्रॉन्स को ले करके यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पर हमको कार्बोनियामाइन मिल जाता है, जैसे कि ये आपको कार्बोनियामाइन मिल गया। तो इससे हम यानी कि प्राइमरी एमीन्स के अंदर भी वैगनर मेडविन रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। इसी तरह हम ऑलिफिन्स से बनाएँ तो ओलिफिन्स में हम क्या करें, प्रोटोनेशन करें। जब हम प्रोटोनेशन करेंगे तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग कहाँ जाएगा प्रोटोन, कहाँ आएगा, यहाँ पर ऐड होगा और हमको कार्बोनियामाइन मिल जाएगा। जो कार्बोनियामाइन है वो क्या होगा, वो
ये वाला हमें कार्बोनियन आयन मिलेगा जो फिर वैगनर मेलविन रेजिमेंट के अंदर जाएगा और यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप इधर शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट होकर के हमें रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसमें जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेटरी ग्रुप होते हैं, वो क्या होते हैं, जनरली तो एल्काइल ग्रुप होते हैं, पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है और एराइल ग्रुप हो सकता है। जी तो इस तरीके से इन्हीं के हिसाब से हम एक एक एग्जांपल लें, जैसे कि इस वाले रिएक्शन में माइग्रेटरी ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्राइड आयन माइग्रेट होता है अलोंग, मतलब हाइड्रोजन अलोंग विद इट्स बॉन्ड, अलोंग विद इट्स इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इसमें माइग्रेट होगा यहाँ से, ये यहाँ से माइग्रेट होगा यहाँ पर, है ना, तो क्या मिलेगा हमें, ये वाला टर्शियरी कार्बोनियम आयन मिल जाएगा। तो ये फिर आगे या तो ये इसका सब्स्टिट्यूशन होगा या डीप्रोटोनेशन होगा, यानी कि एल्कीन मिलेगा, या हमें कोई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। इसी तरह माइग्रेशन ऑफ, या इसमें क्या है, माइग्रेशन ऑफ एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप क्या है, जैसे नियोफाइल ब्रोमाइड है, ये क्या है हमारा, नियोफाइल ब्रोमाइड। नियोफाइल ब्रोमाइड में क्या होता है, पहले ये ब्रोमीन हटेगा, ब्रोमीन हटेगा यहाँ से, हमें नियोफाइल कार्बोनियम आयन मिलेगा, नियोफाइल कार्बोनियम आयन मिलेगा, फिर यहाँ से ये जो फिनाइल है या एराइल ग्रुप है ये इधर शिफ्ट होगा थ्रू ब्रिज फिनोनियम आयन, और ये यहाँ पर इस तरीके से माइग्रेट कर जाएगा। जब ये माइग्रेट करेगा फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन एज ए हाइड्राइड यहाँ से निकल जाएगा, ये निकलेगा तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से जब ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से निकल करके ये क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा, ट्राइफिनाइल इथाइलीन। अब इसमें माइग्रेशन किसका हुआ, फिनाइल ग्रुप का, एराइल ग्रुप का, तो ये किसका है कि हमारा माइग्रेशन एल्काइल ग्रुप का हो सकता है, हाइड्रोजन का हो सकता है और एराइल ग्रुप का होता है। तो इसमें ये एग्जांपल किसका है, माइग्रेशन ऑफ एराइल ग्रुप का, और एराइल ग्रुप में भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा अगर एराइल ग्रुप में पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे पैरा एनिसाइल, अगर हमारा ये कंपाउंड है पैरा पोजीशन पर ये मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ हो रिंग के अंदर, तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर डिफरेंट फिनाइल ग्रुप्स हैं तो जो पैरा एनिसाइल वाला है वो हमारा पहले माइग्रेट होगा, या वो माइग्रेट होगा प्रेफरेबली। ओके, नेक्स्ट है स्टीरियो स्पेसिफिक रीअरेंजमेंट। ये जो वैगनर मेलविन रीअरेंजमेंट है ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, इन द सेंस कि जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन से जुड़ता है, अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है या माइग्रेट करता है कार्बोनियम आयन पर। तो इससे अगर कार्बोनियम आयन हमारा कोई ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनियम आयन है तो वो क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा, आर है तो एस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस है तो वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह एक और इसका स्पेशल फीचर है कि कभी कभी क्या होता है कि टू टाइम्स माइग्रेशन होता है इन अ सीक्वेंस, मतलब एक ही रिएक्शन के अंदर दो बार माइग्रेशन होता है या दो बार रीअरेंजमेंट होता है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल हमने नीचे लिया है, ये है हमारा डाइइथाइल कार्बोब्यूटाइल अल्कोहल या कार्बिनॉल, है ना, तो साइक्लोब्यूटाइल कार्बिनॉल ये कंपाउंड है। जब हम इसका प्रोटॉन की प्रेजेंस, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से ये हमारा यहाँ पे जुड़ेगा और ऑक्सीजन पर, पहले हाइड्रोनियम आयन बनेगा,
फिर वो हाइड्रोनियमाइन रिमूव होगा, डिहाइड्रेशन होगा और हमको क्या मिलेगा, ये वाला कार्बोनियमाइन मिल जाएगा ये। अब इस कार्बोनियमाइन में आप देखें यहाँ पे ये जो कार्बोनियमाइन है, इस कार्बोनियमाइन में जो ये हमारा साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप था, साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप में रिंग का एक्सपेंशन होगा और ये कार्बन यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, जो मिथाइलिन ग्रुप है वो यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये जैसा मैंने एरो से दिखाया हुआ। जब ये मिथाइल शिफ्ट होगा तो इसकी जो अल्फा पोजीशन है वहाँ पर कार्बोनियमाइन आ जाएगा, तो ये हमारा कार्बोनियमाइन है। तो फर्स्ट माइग्रेशन हुआ मिथाइलिन ग्रुप का, रिंग का एक्सपेंशन हुआ और हमारा ये पेंटाइल कार्बोनियमाइन बन गया, साइक्लोपेंटाइल। अब ये जो कार्बोनियमाइन है, साइक्लोपेंटाइल रिंग जो है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से सेकंड टाइम ये जो इथाइल ग्रुप है ये माइग्रेट हो रहा है इसके ऊपर। जब ये इसके ऊपर माइग्रेट करेगा तो क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ से ये वाला कार्बोनियमाइन मिलेगा जिसको हम कह रहे हैं टर्शरी कार्बोनियमाइन। तो ये जो टर्शरी कार्बोनियमाइन है, फिर ये यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देगा, इसका जो एडजेसेंट कार्बन है उसके पास जो हाइड्रोजन है वो एज ए प्रोटॉन रिमूव कर देगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, 1,2-diethylcyclopentene, है ना, 1,2-diethylcyclopentene, ये वाला ये मिल जाएगा, है ना। तो ये रिएक्शन अगर हम ऐसे देखें तो हमको कितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है कि इनिशियली जो हमारा कंपाउंड था वो क्या था, ये था डाइथाइल साइक्लोब्यूटाइल कार्बिनॉल था, कि जब हम इसको एसिड की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, 1,2-diethylcyclopentene। तो एक माइग्रेशन से या एक रीअरेंजमेंट से तो क्या हो रहा है, रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है, ये साइक्लोब्यूटाइल की जगह साइक्लोपेंटाइल हो गया। फिर दूसरे माइग्रेशन से क्या हो रहा है, एक इथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ साइक्लोपेंटाइल रिंग पे आ गया और फिर डिहाइड्रेशन हो गया और हमको क्या मिला, ये मिल गया 1,2-diethylcyclopentene। तो इस तरीके से कई बार ये जो होता है रीअरेंजमेंट होता है, इसमें माइग्रेशन दो डबल टाइम हो जाता है, फर्स्ट सीक्वेंस में हो जाता है एक के बाद एक, जिससे हमें रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है। तो ये था हम वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट के बारे में, कैसे वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट होता है। फर्स्ट उसमें हमने पढ़ा कि क्या होता है वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट, दूसरे में पढ़ा हमने उसका मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा और कि किस तरीके से ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी पाया जाता है। आज हमने इसके एप्लीकेशंस के बारे में और इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में पढ़ा। तो ये है वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट के बारे में।